वो गाय पूरा भयंकर आंख देखो कैसा आग जल रहा है बहुत बड़ा मजाक कर रहा था नींबू के अंदर एकदम चाल का ग्रेवी के साथ तू भी का यार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है और एक नई ब्लॉग के साथ। आज का दिन है पूरा अंधेरा अंधेरा है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ भी अंधेरा है और यहाँ भी अंधेरा है। और सुबह उठ के मनोज का पापा मुंह धोया है। अभी बापू तो बापू के लिए मैं धो लिया है। सबसे पहले मैं आज नींद से जगा है और मुँह भी धो लिया, पूरा सबका काम किया है। और यहाँ है ना, पास है ना दोस्तों, वहाँ पे दुआ दुआ देख रहे होगे, यहाँ पे जूम का लोकेशन बनाया है और वहाँ पे आग जला दिया है। अभी जाएंगे, मूवी दो लिया, देखो पूछा भी नहीं है मैंने। चलो अभी जाएंगे, दिखाएंगे। अभी बने रहे दोस्तों ब्लॉक में, हम लोग दिखाने के लिए जा रहे हैं आप लोग को। पहुँच गया है गाइस, और यहाँ पे बापू और मनोज का मामी भी पहुँच गया है। और यहाँ पे गाँव वाला भी देख रहा है, देखो भयंकर आग दिया है गाइस। वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे भी आग है, वहाँ पे इतना बड़ा आग आ रहा है। और यहाँ पे दे दिया थोड़ा इस तरफ दे दिया है, और बीच का ये पूरा जलाएगा। आज गांव का नज़दीकी है। और मैं एक बात बता देता हूँ, जूम कल्टिवेशन जो करता है दोस्तों यहाँ पे, और सरकार ने एक टाइम फिक्स कर देता है कि आपको इसी टाइम के अंदर जलाना है बोल के। जैसे कि मान लीजिए 15 तारीख 20 तारीख, इसी 20 तारीख के अंदर आपको जितना भी जूम कल्टिवेशन आप लोग काटा है इधर भी और मिजोरम में, ऑल ओवर मिजोरम में आपको जलाना पड़ेगा इसी तारीख के अंदर। मान लीजिए उसी तारीख के अंदर आप जलाया नहीं है, उसके बाद अगर आप जूम जला रहे हो, जैसे कि कुछ दूसरों का नुकसान हो जाता है, कुछ दूसरों का जंगल जल जाता है, आपको पैसा भी देना पड़ेगा एंड आपको जेल जाने का भी चांस रहता है, 100% जेल जाएगा आप। इसके लिए सरकार ने ऐसा करता है कि एक टाइम फिक्स कर देता है, इसी तारीख को जलाओ बोल के। और इसी तरीके जलाएगा तो कोई टेंशन नहीं आपको, इसलिए आज 15 तारीख के अंदर जलाने के लिए बोल रहा है। देखो आज जला रहा है पूरा। और यहाँ पे मदद का मम्मी देखो, और यहाँ पे बापू। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग। उस पार हो जो अभी तक जलाया नहीं, वो भी जलाएगा आज कल परसों। यहाँ पे ना बेम्बू सूट धुनने के लिए आते हैं, अभी धुनने को नहीं मिलेगा। मनत का मम्मी वही सोच रहा था, यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारा बेम्बू सूट धुनने के लिए अभी नहीं मिलेगा बोल रहा था। थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे गाइस। बापू का रिएक्शन थोड़ा देखना, मनत का पापा ना ऐसे बोलता है, मैं अभी आंख में जाऊंगा ऐसे बोलने से ये पूरा रोते है। देखो थोड़ा अभी मैं आंख में जाऊंगा बाबा। हाय जल्दी आ जाओ। घर पे जाऊंगा फैलते, देख इतना प्यार करते हैं हम लोग को। ऐसे रिएक्शन देखने के लिए कोई हाथ करने के लिए नहीं है गाइस, बुरा मन मानो पापा। एकदम आपका नजदीक आ गया है हम लोगों ने। ओ भाई साहब देखो गाइस, पूरा भयंकर आग देखो कैसा आग जल रहा है, बहुत बड़ा करते देखो। ओ माय गॉड, देखने में पूरा कैसा लगता है ना। ओ देखो, और उसी की आग के बीच में हूँ मैं यहाँ पे। अभी हम लोग जाएंगे दोस्तों घर में, देख लिया आग पूरा, देखो यहाँ से पूरा आ रहा है आस्ते आस्ते करके नीचे से। तो वहाँ पे आ गए हम लोगों ने, और वहाँ पे वीडियो करते करते हम लोग, मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ होगा चार्ज नहीं था, क्योंकि कल रात मैंने चार्ज नहीं लगाया। अभी कल का ब्लॉग में तो देखा होगा आप लोगों को, जो फीमेल स्नेल हम लोग टोमेटो पे क्या था, और मेल स्नेल खाएंगे। और यहाँ पे मनोज का मामी क्लीन कर रहा है एग गोल वाला, देखो पहले क्लीन कर लेते हैं ये दोस्तों। आज तो बेम्बू में बनाएंगे, बेम्बू में बनाएंगे, बहुत टेस्टी होते हैं बेम्बू, बहुत यूनिक सा बनाएंगे आज, बेम्बू में डालेंगे। कैसे कैसे डालते हैं आप लोग ब्लॉग को आगे तक देख लीजिए, पूरा प्रोसेस आप लोग को मालूम चल जाएगा गाइस। और यहाँ पे मनोज का मम्मी एसनल क्लीन कर रहा है, और मैं लेके आऊंगा एक छोटा वाला बेम्बू, क्योंकि यहाँ पे बेम्बू एक है लेकिन बड़ा है देखो।
दोस्तों यहाँ पे पूरा कचरा कचरा हो गया, यहाँ पे जंगल जलाया है ना, इसके लिए पूरा कचरा बन गया। अभी क्लीन नहीं करेंगे, शाम को ही क्लीन करेंगे। तो अभी मैं लेके आता हूँ बेम्बू। दोस्तों क्लीन भी हो चुकी है, अभी इसको बॉयल में देंगे। दोस्तों यहाँ दे दिया है बॉयल में, और इसमें नमक हल्दी दिया है, और मन्नत का पापा तो बेम्बू लेने के लिए गई है। तो बॉयल हो चुकी है, यहाँ पे मैंने बेम्बू भी लेके आया है गाइस, और देखो बेम्बू भी लेके आया है। यहाँ पे देखो मन्नत का मामी बॉयल करके इसमें डाला है, क्योंकि यो को एक एक पीस करके निकालना है ये अंदर वाला। देखो बहुत टाइम लगेगा ना, देखो निकाल लेते हैं ये पहले। दोस्तों दिखाओ ना कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं मन्नत का मामी दिखाएगा। निकाल रहा है देखो मन्नत का मामी, इतना निकला हुआ है इसे, बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है निकालने के लिए। एक एक करके निकालना, टाइम लगता है, मुश्किल तो बात चलो टाइम बहुत लगता है। देखो एक एक करके निकाल रहा है, सब निकाल दिया है। अभी थोड़ा बच्चा है मन्नत का पापा, वो लास्ट में कर रही है, ये बोल रहे थे मुझे आलसी लग रही है। हाँ आलसी लग रही है आपको, आलसी लग रहा है गाइस। देखो निकालते निकालते बोलता है कि अब निकालो निकालो, मैं ये करता वो करता, बहाना बनाते हैं देखो। और ये बेम्बू में दे देंगे, ये बेम्बू में दे देंगे, एंड ये मैं सलाद बना के खाऊंगा। मन तो हम तो नहीं खाते, ये बेम्बू में डाल देंगे पूरा। दोस्तों क्यों ऐसे बोला था ना मैं, क्योंकि अदरक मिर्ची और ग्रेवी, चावल का ग्रेवी बनाना पड़ेगा, इसीलिए बोलती हूँ आप निकालो, मैं वो सब करती हूँ, सब तैयारी करती हूँ। दोस्तों सब रेडी कर लिया है। ये है चावल का ग्रेवी, यहाँ पे है मिर्ची ऑनियन, और यहाँ पे है स्नेल और हल्दी नमक, सब इंग्रेडिएंट पूरा तैयारी हो चुकी है। अभी डालनी है बेम्बू में। तो दोस्तों अभी मिक्स कर रही हूँ, तो मिक्स भी हो चुकी है, अभी डालनी है बेम्बू में। तो बेम्बू पे भी डाल दिया है, अभी बेम्बू यहाँ रखी है, और ढक्कन भी नहीं है, मन का पापा बाहर आग जला रही है, वो बनाएगा। मेरे को ये सब जो बटन है ना, सब वगैरह क्लीन करनी है, वहाँ पे भी है देखो, वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और अभी यहाँ बापू खाना खा रही है देखो। तो यहाँ आग में दे दिया है, पका रहा हूँ मैं बाहर में, पूरा आग भी बुझ जा रहा है देखो दोस्तों, लेकिन उगल रहा है यार, मेरे ख्याल से हो गया है ऑलमोस्ट। इतना पकाने का जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है, तो इसके लिए काले बेम्बू में इसलिए डालते हैं कि और भी स्वाद ज्यादा होता है, इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अभी हो चुके हैं दोस्तों, और मन्नत का मामी भी आया है, अभी लेके जाएगा, चलो लेके जाता है ना अंदर, अभी अंदर लेके जा रहा है देखो। और भी लेके आया है दोस्तों, यहाँ पे रखा है, अभी निकालेंगे। यहाँ अभी निकल रही है मन्नत का पापा, गर्म है ना दोस्तों, बहुत गर्मी है। बहुत है, अरे अभी है नहीं अंदर है, था तो है ना, आ गया देखो। ओ माय गॉड कितना स्वाद होगा, बहुत ऐसे ही टेस्टी है ना, खुशबू आ रहा है देखो गाइस। आप लोग भी खा सकते हो दोस्तों, ऐसे निकाल के एक एक करके, बहुत टाइम लगता है ना, बहुत कितना टाइम हुआ है, देखो कितना मुश्किल से पका रहा है दोस्तों, हम लोग इतना देख कर रहा है। इसके लिए एक लाइक कर दो, और जो पायलोग से पहली बार चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। देखो टाइम भी बहुत हुआ है, अभी 11 नहीं तो 12 बजेगा। पा टेस्ट करके देखो, अभी थोड़ा अभी टेस्ट करके देखूंगा मैं समझ। और यहाँ पे देखो स्नेल का नींबू के अंदर एकदम चावल का ग्रेवी के साथ, लाजवाब सुपर से ऊपर तक। और एक बार खा के देखूंगा, मनोकम हमको मुंह में पानी आएगा। मैं यहाँ कैमरामैन पीछे देख, तू भी खा ले, कैमरामैन ले, तू भी खा ले, ले तू भी खा, खा ले यार, और खा के देखो, और खा के, और खाओ। नहीं खाएगा और,
अभी खाना खाने के लिए जाएंगे दोस्तों, बहुत भूख लग रहा है। सारे दोस्त से भी इसे ज्यादा बढ़ चुका है। क्या क्या सब्जी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये गोभी बॉयल किया है मन्नत कमामी ने, एंड यहाँ पे है बीन्स और टोमेटो और गोभी मिक्स करके। यहाँ पे स्पेशल जो है जो बेम्बू के साथ स्नेल जो दिया है हम लोगों ने बहुत अच्छा से। और यहाँ पे है, मैं मिक्स कर लेता हूँ स्नेल का सलाद। और आज तो स्नेल का सलाद भी खाएंगे हम लोग। देखो कैसे खाते हैं, आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। स्नेल का सलाद बहुत टेस्टी होता है। देखो थोड़ा खाके देखो, टेस्ट करके देखो नमक कितना चाहिए। और ठीक है नमक, नमक ठीक है ना। नमक भी दे दिया है मैंने ऑलरेडी। अभी खाएंगे खाना। खाओ मन का, भूख लग रहा है बहुत। 11 बजने वाला है, आपको भूख लग रहा है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा बोल रहा था, बहुत लेट हो रहा है बोल के, जल्दी जल्दी बनाओ बोल के। देखो और अभी खाना खाने के लिए जाएंगे दोस्तों। बापू भी वहाँ पे खा रहा है ऑलरेडी, उसको खाना दे दिया है। आप लोग सोच रहा होगा कहाँ पे है, मोबाइल देख देख के खाना खा रहा है यहाँ पे। देखो नहीं तो कुछ कर नहीं सकता है, हम लोग मोबाइल नहीं दे देंगे तो ये करता है वो करता है, बहुत परेशान करता है। तो अभी फटाफट खाना खा लेते हैं दोस्तों। तो अभी खा रहा हूँ दोस्तों, देखो जो स्नेल। खाना बना हो चुका है गाइस, और हम लोग का स्नेल और इतना बच्चा है खाना खाने के बाद। देखो और शाम को खाएंगे और तो सब्जी भी है। शाम को सब्जी पकाने का जरूरी नहीं है, खाली राइस बनाने से हो जाएगा दोस्तों। और अभी यहाँ पे बापू देखो कितना देर से खाना खा रहा है, और यहाँ पे मन्नत की मम्मी भी खाना खा के बापू को देख रहा है। अभी दोपहर हो चुका है गाइस, और मन्नत की मम्मी बापू को सुला रहा है। तो अभी मैं ब्लॉग को इसमें एंड कर लेता हूँ, और जो भाई लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। बाय बाय गाइस।